नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में तो पिछले दिन से क्लास नहीं हो पाई, पिछले कल भी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए आज हम ये रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं क्योंकि हम नहीं हैं, हम लीव पे आए हैं। तो आप लोगों की तैयारी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए हम आज ये रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं क्लास। गुजरात सर्कल का, गुजरात सर्कल का है ये MTS का एग्ज़ाम 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, जुड़े रहे साथ साथ में, आप अपने आंसर्स भी देते रहें और चेक करते रहें इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, इफ़ एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू सस्पेक्ट टू कंटेन सच गुड्स विच आर बींग इम्पोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड बाई पोस्ट इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी इन अटैचमेंट will be forwarded marked doubtful to the office of destination where it will be opened in the presence of the addressee, sender, postmaster या फिर sorting assistant। चार ऑप्शन है, हिंदी में लिखेंगे। यदि कोई डाक वस्तु केवल ऐसे माल को शामिल करने के लिए संदेहास्पद पाई जाती है जो किसी अधिनियम के उल्लंघन में आयात या डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है, तो उसे संदिग्ध रूप में चिन्हित करके गंतव्य के कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा जहाँ इसे डैश की उपस्थिति में खोला जाएगा। तो राइट आंसर आपको देना है चार ऑप्शंस में से, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर है पत्र पाने वाला, एड्रेसी की उपस्थिति में, जिसको वो संबोधित किया गया उसकी उपस्थिति में खोला जाएगा वो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला है, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर कैन बी सेंड बाय इनलैंड इंश्योर्ड पोस्ट ओनली। कॉइन्स, करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंड बाय इनलैंड इंश्योर्ड पोस्ट ओनली। ऑप्शन नंबर सी है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी है, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट 3 पोस्ट ऑफिस। तो आपको यहाँ पे बताना था कौन सा गलत है। तो गलत आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जितने भी लेटर, पार्सल और पैकेट होते हैं उनको 2 डेट स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए उसकी, 2 पोस्ट ऑफिस की, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी ये करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड एट अ लाइन एट ऑन द लाइन सॉरी ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सॉर्ट बैग इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम इज कॉल्ड, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं इसे, डाकघर जो मेल संचार के माध्यम से एक लाइन पर स्थित है और कार्यालयों के लिए बैगों को खोले बिना अग्रिम में प्राप्त करता है और सॉर्ट करता है, डैश कहलाता है। ट्रांजिट कार्यालय, छटाई कार्यालय, स्टेशन कार्यालय या फिर उप कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, स्टेशन ऑफिस या फिर सब ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिट कार्यालय, ट्रांजिट कार्यालय कहते हैं उसे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, द ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय स्टाफ अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कंपोनेंट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ ड्यूटी इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा ड्यूटी, असेंशियल ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी या फिर स्पेशल ड्यूटी। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना था क्या रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है, हिंदी में भी देखेंगे, कर्तव्य की निर्धारित अवधि के पूरा होने के बाद सक्षम अधिकारियों के आदेश के तहत कर्मचारियों द्वारा किए गए कर्तव्य को क्या कहा जाता है, ओवर टाइम कर्तव्य, ओवर टाइम ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। तो चार क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, द सर्विस responsible for the carrying of mails by rail, road, river and air and for the collection and distribution of mails received from post offices by mail offices and section is called army postal service, railway mail service, mobile post office service या फिर mail exchange service। हिंदी में देख लेते हैं, रेल, सड़क, नदी और हवाई मार्ग से डाक की ढुलाई और डाक कार्यालयों और अनुभाग द्वारा प्राप्त डाक के संग्रहण और वितरण के लिए जिम्मेदार सेवा को क्या कहा जाता है, सेना डाक सेवा, रेलवे मेल सेवा, मोबाइल डाकघर सेवा या फिर सेवा या फिर मेल एक्सचेंज सेवा। तो राइट आंसर है इसका रेलवे मेल सर्विस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मार्क इनकोरेक्ट ऑप्शन, जो गलत है उसको मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, सॉर्टिंग ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग एंड ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल bags received by it and disposing of their contents,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, इज एपीएमसी मींस ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर वेयर सॉर्टिंग इज डन बाय मशीन। ऑप्शन नंबर सी है, सीआरसी मीन कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क इज डन ऑन कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर डी है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टल डिवीजन ऑफिस। तो हिंदी में भी देख लेते हैं इनको, छटाई कार्यालय को उसके द्वारा प्राप्त छटाई मेल बैगों को खोलने और उनकी सामग्री का निपटान करने का कर्तव्य सौंपा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः है ये, और आगे है अपना अगला क्वेश्चन, अगला कि एपीएमसी का मतलब स्वचालित मेल प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ मशीन द्वारा छटाई की जाती है। आगे है अपना क्या कहते हैं, सीआरसी का मतलब कंप्यूटरीकृत पंजीकरण केंद्र है जहाँ पंजीकरण कार्य की प्रोसेसिंग कंप्यूटर पर की जाती है। और आगे है सेंट्रल बैगिंग यूनिट पोस्टल डिवीजन कार्यालय की शाखा है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है इसमें क्या रहेगा। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर छः का ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैगिंग यूनिट पोस्टल डिवीजन कार्यालय की शाखा है। ठीक है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट जो है पोस्टल डिवीजन की नहीं है, पोस्टल डायरेक्टरेट की है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, एन ऑफिस विच इज इस्टेब्लिश्ड एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल एंड आर्टिकल्स विदाउट एड्रेस और इनकम्प्लीट एड्रेस इज कॉल्ड एस। ठीक है, एक कार्यालय जो एक पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थापित है और बिना पते या फिर अधूरे पते के या फिर ऐसे आर्टिकल्स के साथ डील करता है जिनका कोई दावा नहीं किया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, तो उसको क्या कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है आपसे ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी इसका आंसर देंगे और अपने आंसर्स को मैच भी कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, वापसी पत्र कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अ बैग विच इज यूज टू इनक्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसे बैग को क्या कहा जाता है, एक बैग जिसका उपयोग सरकार के उच्च अधिकारियों के पत्राचार को संलग्न करने के लिए किया जाता है कहलाता है, स्पेशल बैग, कैंप बैग, ट्रांजिट बैग या फिर पैकेट बैग। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, राइट आंसर यहाँ पे है विशेष बैग, स्पेशल बैग, स्पेशल बैग कहा जाता है जिसमें कोरस्पॉन्डेंस होते हैं हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के। द लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच द आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच इज, जिस तरीके से लेखों को भेजा जाना चाहिए उसे दिखाने वाली सूची को क्या कहते हैं। ठीक है, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, ड्यू मेल सूची या फिर सॉर्टिंग लिस्ट। चार ऑप्शन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉर्टिंग लिस्ट। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज इनकोरेक्ट अबाउट मेथड ऑफ एड्रेस। मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में इनमें से क्या गलत है वो आपको बताना है। द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर। द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर। ऑप्शन नंबर सी है, इन द केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन इंग्लिश लेटर्स एंड इन रोमन फिगर्स। इट इज डिजायरेबल टू नोट द सेंडर्स एड्रेस प्रेफरेबल इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। हिंदी में भी देखेंगे इसे, पता कवर की लंबाई के समांतर लिखा जाना चाहिए, पोस्ट टाउन को ब्लॉक लेटर्स में नोट किया जाना चाहिए यानी कि कैपिटल लेटर्स में, विदेशियों को संबोधित पत्रों के मामले में पता अंग्रेजी अक्षरों में और रोमन अंकों में लिखा जाना चाहिए। यह वांछनीय है ऑप्शन नंबर डी, कि प्रेषक का पता पता लिखने वाली तरफ निचले बाएं कोने में लिखा जाए। तो राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशियों को संबंधित पत्रों के मामले में पता जो है अंग्रेजी अक्षरों में और रोमन अंकों में लिखा जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, होना ऐसा चाहिए कि आपका इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए, रोमन लेटर्स होने चाहिए आपके, और अरेबिक फिगर्स होनी चाहिए आपके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, व्हाट एक्शन विल बी टेकन वेयर एन ऑर्डिनरी पोस्ट स्टैम्प इंस्टेंट ऑफ अ सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड ऑन अ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। क्या एक्शन लिया जाएगा जब एक साधारण पोस्ट स्टैम्प को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में लगाया जाए। ऑप्शन नंबर ए, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बाय द पोस्ट ऑफिस एंड द रेगुलरिटी विल बी ब्राउट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट विच द आर्टिकल वॉज सो पोस्टेड टू द नोटिस ऑफ द ऑफिसर कंसर्न। अगला है, द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट विच द आर्टिकल वॉज सो पोस्टेड। ऑप्शन नंबर सी है, द मैटर विल बी रिपोर्टेड टू द डिविजनल हेड and services will be stopped for sender by the officer in charge of the post office at which the article was
पोस्टेड या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना था इनमें से क्या एक्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। सरकारी डाक वस्तु पर सर्विस स्टाम्प के स्थान पर साधारण डाक टिकट का प्रयोग होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? डाकघर द्वारा पत्र को एक आधिकारिक डाक पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी और अनियमितता को डाकघर के प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा जिस पर पत्र को पोस्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोस्टल सर्कल एंड देयर हेडक्वार्टर इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन कौन सा जो जोड़े हैं वो गलत बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गुजरात गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रांची, हरियाणा अम्बाला कैंट, कर्नाटका बेंगलुरु, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओनली वन पेयर इज करेक्ट, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी है ओनली पेयर टू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है पेयर वन एंड टू आर इनकरेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है पेयर वन टू एंड थ्री आर इनकरेक्ट। तो राइट आंसर आपको बताना क्या है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पेयर वन एंड टू आर इनकरेक्ट, गुजरात और छत्तीसगढ़ जो है गलत है। और गुजरात और छत्तीसगढ़ का क्या है वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हरियाणा और कर्नाटका बिल्कुल सही है यहाँ पे पेयर, ये दोनों गलत है ऑप्शन नंबर ए वन और टू। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस के संबंध में इनमें से क्या गलत है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा मोबाइल पोस्ट ऑफिस के लिए इनमें से क्या गलत है। तो पहला है इंटेंटेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग। आगे है अपना अगला कि रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वैल्यूएबल, बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड इंश्योर्ड आर्टिकल। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे है इनके मामले में क्या गलत है कि बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड इंश्योर्ड आर्टिकल, सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल को बुक नहीं करते, सिर्फ सरफेस और एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक करते हैं, वो भी लेटर मेल के, और उनमें से भी इंश्योर्ड और वैल्यूएबल को छोड़कर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस विद इंटेंटेड टू कॉज लॉस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ स्टैम्प दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर दैट और एनी अदर पर्पस इज एन ऑफेंस अंडर, ठीक है। डाक या डाक शुल्क के भुगतान के लिए केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट का उपयोग करने का अपराध है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के तहत, उपयोग आइट पार्ट वन के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत या फिर दंड प्रक्रिया 1973 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इंडियन पीनल कोड के तहत ये जो है दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अप टू हाउ मच वेट इंडिया पोस्ट अलाउज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, 12 kg, 15 kg, 7 kg या फिर 10 kg। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपने राइट आंसर देना है और हमारी तरफ से जो इसका राइट आंसर है वो है 7 kg, 7 kg तक ही ब्लाइंड लिटरेचर का फ्री ट्रांसमिशन अलाउड है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी नहीं है, एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, किसी भी बीमित पत्र के लिए या फिर आर्टिकल के लिए, वस्तु के लिए, बुक एंड पैटर्न पैकेट के लिए, एनी पार्सल एड्रेस टू अ प्लेस फॉर विच या कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किसके लिए अनिवार्य नहीं है, चार ऑप्शन है, फटाफट से इसके आंसर दें और साथ साथ में अपने आंसर मैच करते रहे, है ना। हाँ, तो बुक एंड पैटर्न पैकेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बाकी सभी के लिए जो है कंपल्सरी है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। पोस्ट कार्ड is an open communication on a card of prescribed size, what is prescribed dimension for a postcard, ठीक है। postcard का size बताना है आपको क्या रहेगा question number 17 में, ठीक है, काफी important है ये, बहुत बार पूछा जाता है। 14x9 cm, 24x9 cm, 14x19 cm या फिर 14x29 cm। तो right answer रहेगा इसका 14x9 cm लंबाई और चौड़ाई, ठीक है।
तो लंबाई और चौड़ाई 14 × 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, पार्सल लेटर्स एंड पैकेट्स मे बी ट्रांसमिटेड बाय इनलैंड पोस्ट एज वैल्यूएबल पोस्टल आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट सच आर्टिकल डू नॉट कंटेन। ठीक है, पार्सल पत्र और पैकेट अंतर्राष्ट्रीय डाक द्वारा मूल्य देय डाक वस्तुओं के रूप में प्रेषित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं में क्या शामिल ना हो। ऑप्शन नंबर ए है कूपन, ऑप्शन नंबर बी है टिकट, ऑप्शन नंबर सी है पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी ओनली। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, कूपन और टिकट्स जो है और एडवर्टाइजमेंट में नहीं भेज सकते। एडवर्टाइजमेंट भी पूछा जाता है इसमें ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं भेज सकते आप, या पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस भेज सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली, जो कि है डी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान ऑफ PLI इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान जो है PLI का, उसे क्या कहा जाता है, जो इनके शॉर्ट नेम है उसे क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है यहाँ पे। सुमंगल, सुविधा, संतोष या फिर सुरक्षा। ठीक है, सुमंगल, सुविधा, संतोष या फिर सुरक्षा। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग आंसर देते रहे क्योंकि ये प्रीमियर होगी क्लास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सुविधा कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले के। इन केस ऑफ PLI RPLI पॉलिसीज ऑफ मोर देन 3 ईयर्स ड्यूरेशन, इफ मोर देन डैश प्रीमिया आर नॉट पेड द पॉलिसी लैप्स। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक है अवधि की PLI RPLI पॉलिसी के मामले में यदि इतने डैश से अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है, 12 बार, 6 बार, 18 बार या फिर 3 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से अधिक की PLI या फिर RPLI पॉलिसी में अगर आप 12 प्रीमियम जो है वो पे नहीं करते तो आपकी पॉलिसी को समाप्त माना जाता है, लैप्स माना जाता है। तो इससे बेटर है कि आप प्रीमियम पे कर लें और लाभ उठाए सभी। व्हाट इज मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ पार्सल इफ इट इज पोस्टेड एट और एड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। एक पार्सल की अधिकतम वजन सीमा क्या है यदि इसे किसी शाखा डाकघर में पोस्ट किया गया है या संबोधित किया गया है। 5 kg, 10 kg, 7 kg या फिर 20 kg। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके साथ आपसे मैं पूछ लेता हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें आप क्योंकि हम देखेंगे साथ में आप लोगों के साथ में, हम कमेंट में लाइव में रहेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको वेट लिमिट तो बतानी है पार्सल की, या फिर पोस्ट किया जाता है या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जाता है या फिर वहाँ के लिए एड्रेस किया जाता है, वो कितना है। वो तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 10 kg। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इंश्योर कितने तक का किया जा सकता है आर्टिकल। ठीक है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम तब तक अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर पर्सन पर ईयर आर अलाउड अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम IFS। IFS के तहत, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली IFS के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने अधिकतम लेन देन की अनुमति है, 10, 24, 30 या फिर 12। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, IFS के तहत प्रति व्यक्ति एक वर्ष में कितने वित्तीय लेन देन कर सकता है। तो राइट आंसर है 30 लेन देन। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इफ अ पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम मंथली इनकम स्कीम अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर from the date of account opening, a deduction equal to dash from the principal will be deducted and remaining amount will be paid। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। आज किसी ने ये शेयर भी किया था शायद ग्रुप में हमारे और पूछ रहे थे, तो वो सही है जो उसमें लिखा है आपने शेयर किया था, वो एकदम सही है इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो विद दैट, है ना। यदि डाकघर मासिक आय योजना खाता MIS खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद और 3 वर्ष से पहले बंद कर दिया जाता है तो मूलधन से डैश के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का जो है भुगतान कर दिया जाएगा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो फटाफट से कमेंट्स में आंसर दे क्योंकि हम भी कमेंट्स में आप लोगों के साथ है। राइट आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर ए, 2% काट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 2% जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा और क्योंकि आप प्रीमेच्योर क्लोज कर रहे हैं 2% आपका डिडक्ट हो जाएगा 1 से 3 साल के बीच में और बाकी आपको दे दिया जाएगा। अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डैश आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट 10,500
5,000 या फिर 1,000। डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम मात्रा में कितने पत्र स्वीकार किए जाते हैं? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, 10,000, 500, 5,000 या फिर 1,000। बहुत ही अच्छे से हमने ये क्लासें की हैं, तो उम्मीद करता हूँ मैं सभी राइट आंसर देंगे इसका। और राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। री इन्फोर्सिंग द एफर्ट्स एम टुवर्ड इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फिलेटली, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप स्कीम कॉल्ड दीनदयाल स्पर्श योजना, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श हियर। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में नहीं देखेंगे हम इसे। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांसमेंट एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी, स्कॉलरशिप पेमेंट फॉर एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, और स्कॉलरशिप फॉर पोस्टल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये फिलेटली की रीच को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कौन सी कक्षा से स्कूल के बच्चों को दी जाती है ना स्कॉलरशिप, तो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के बच्चों को दी जाती है और कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि हम भी आपके साथ कमेंट्स में है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बाकी जो आपसे पूछा है उसको कमेंट्स में आप बताएं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनलाइज्ड शीट्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इन इंडिया पोस्ट, फिलेटली, माय स्टैम्प, मुद्रा या फिर इंद्रा धनुष। भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट ब्रांड का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, फिलेटली, माय स्टैम्प, मुद्रा या फिर इंद्रधनुष। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, और आपको ये भी बताना है माय स्टैम्प, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि माय स्टैम्प्स को जो है वो कब भारत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कब आपको लॉन्च किया गया था वो भी आपको ये बताना है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आप ज़रूर बताएं इसका, क्योंकि ऐसा ना समझे कि लाइव नहीं चल रहा है तो नहीं देखेंगे, देख रहे हैं हम, साथ में ही हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता ₹10 की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ खोला जा सकता है, ₹250, ₹500, ₹1,000 या फिर ₹50। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ₹250 मिनिमम डिपॉजिट के साथ खोला जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ट्रांसफर प्लेजिंग ऑफ किसान विकास पत्र KVP कैन नॉट बी मेड टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज। ठीक है, किसान विकास पत्र की जो प्लेजिंग या फिर ट्रांसफर है किस अथॉरिटी को नहीं कर सकते आप इनमें से, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, या फिर RBI स्केड्यूल बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर कोऑपरेटिव बैंक को, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट मास्टर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। हिंदी में भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। डाक टिकट की पहुँच, ओके ये दो बार ही हो गया, ठीक है, ये कहाँ होगा, यहाँ किसान विकास पत्र KVP का स्थानांतरण गिरवी निम्नलिखित प्राधिकरणों को नहीं किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल को, या फिर राज्य के राज्यपाल को, RBI अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति, सहकारी बैंक को, या फिर डाकपाल को, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाकपाल को नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको कर सकते हैं। KVP जो सेविंग बैंक्स की हमने क्लास की है, KVP वगैरह, उसमें ये किया है हमने, है ना, किस किस को आप प्लेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। द रेमिटर ऑफ अ मनी ऑर्डर विच हैज नॉट बीन पेड मे स्टॉप पेमेंट एंड रिक्वायर दैट द मनी बी रीपेड टू हिमसेल्फ, दिस विल बी डन। ठीक है, चार ऑप्शन, फॉर विजिटर्स ओनली, ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस इक्वल टू मनी ऑर्डर कमीशन, ऑन पेमेंट ऑफ डबल मनी ऑर्डर कमीशन, या फिर विदाउट एडिशनल चार्ज ऑन द रिमिटर। हिंदी में भी देखेंगे, एक मनी ऑर्डर का प्रेषक, ठीक है, एक मनी ऑर्डर का प्रेषक है, प्रेषक, रिमिटर और पेई। अभी ये भी पूछ रहे थे एक दिन कि रिमिटर कौन होता है सर, पेई कौन होता है, इसका मतलब बता दी। तो जब मनी ऑर्डर आप भेजते हैं तो रिमिटर होता है जो उसको भेज रहा है, पेई होता है जिसको वो भेजा गया है, जिसको वो पे होना है।
ठीक है। तो एक मनी ऑर्डर का प्रेषक जिसका भुगतान नहीं किया गया है वह भुगतान रोक सकता है और ये मांग कर सकता है कि पैसा खुद को चुकाया जाए, वापस मुझे दे दीजिए, नहीं देना है उस बंदे को पैसा, क्या पता लड़ गए होंगे फोन पे। यह किया जाएगा, कब किया जाएगा? केवल आगंतुकों के लिए, विजिटर्स के लिए, मनी ऑर्डर कमीशन के बराबर शुल्क देने पर, या फिर डबल मनी ऑर्डर कमीशन के भुगतान पर, या फिर प्रेषक पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया लिया जाएगा। अगर वो चाहता है कि वापस उसे दिया जाए तो वापस उसे दे दिया जाएगा। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा, और राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एडिशनल चार्ज ऑन द रिमिटर, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगाएंगे उस पर और वापस उसको कर देंगे पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्स के है ना, पोस्ट बॉक्स के लिए इनमें से क्या गलत है? चार ऑप्शन है, द रेंटर विल नॉट हैव एनी राइट टू गेट डिलीवरी थ्रू द पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम विदाउट द पोस्ट बॉक्स नंबर, ऑन द रेंटर और हीज मैसेंजर प्रेजेंटिंग द इंटीमेशन स्लिप टूगेदर विद द डिलीवरी टिकट द आर्टिकल मे बी हैंडेड ओवर टू हिम, इफ फॉर एनी रीजन द आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्टमैन in the normal manner they will be treated as undeliverable and disposed of in the manner prescribed for such articles, if the renter of a post box does not clear it for a month a notice requiring him to clear it will be sent by the postmaster by registered post, hindi mein bhi dekhenge ise, theek hai, kyunki hindi mein dekhne ki zarurat hai, bada question hai, post box ke sambandh mein inme se kaun sa galat hai, kiraydar ko उसे पोस्ट बॉक्स नंबर के बिना किसी संबोधित किसी भी वस्तु के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरण करने प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, किराएदार या उसके दूत द्वारा सुपुर्दगी टिकट के साथ सूचना प्राप्त पर्ची प्रस्तुत करने पर वस्तु से सौंपी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी है, यदि किन्हीं कारणों से सामान डाकी के माध्यम से सामान्य तरीके से वितरण नहीं किया जाएगा तो उन्हें अपरिवर्तनीय माना जाएगा और ऐसी वस्तुओं के लिए निर्धारित तरीके से निपटान किया जाएगा। यदि किसी पोस्ट बॉक्स का किरायेदार एक महीने के लिए इसे साफ नहीं करता है तो उसे पोस्ट मास्टर द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उसे खाली करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से इनमें से कौन सा गलत है इसका आपने आंसर देना है, ज़रूर देना है, और हम कमेंट्स में आपके साथ हैं और हम वहीं पे आपको इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं है तो आप आंसर नहीं देंगे हम। ठीक है, इसका आंसर तभी मिलेगा आपको अगर आप साथ में जुड़े हैं और क्लास में हम आपको इसका आंसर देंगे कमेंट्स में ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जो अब हम पहुँच चुके हैं जीके पे 36। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री, हिंदी में देखेंगे, भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, नीलगिरी, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा रेन। राइट आंसर है सबसे पुराना जियोलॉजिकल हिस्ट्री के माध्यम से अरावली पर्वत से। ठीक है, विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का सोर्स क्या है, कृष्णा रिवर का सोर्स क्या है, अमरकंटक, ताला, महाबलेश्वर या फिर मुताली। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर कृष्णा रिवर का सोर्स है। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स की जो टोटल सीट्स है वो कितनी होती है, चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, 543, 233, 443 या फिर 243 या फिर 443। तो लोकसभा में होती है 543, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2024 में होनी है नहीं है। व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर ड्यूरिंग इमरजेंसी सेशन समंड फॉर द पर्पस Every session, first session after each general election and first session of each year, या फिर कभी भी दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है ये, बहुत बार हमने किया है, तो बताएं आप राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
कमेंट्स में हम आप सबके आपके साथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं जो कि अपना आगे है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 28 फरवरी या फिर 24 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर है 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। आगे है अपना कमलप्रीत कौर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टोक्यो ओलंपिक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है, कमलप्रीत कौर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया है किस खेल से जुड़ी थी, टोक्यो ओलंपिक कमलप्रीत कौर, ठीक है, डिस्कस थ्रो, बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप, ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, कमलप्रीत कौर इस गेम से जुड़ी हुई थी, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक मेडल भी लाया था, वो आपको बताना है कौन सा मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है, तो ये डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई है, आपके लिए कमेंट्स में आपको बताना है कमलप्रीत कौर क्या जीते थे, ठीक है, तो द सूफियाना कलाम, द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस, कश्मीर का शास्त्रीय संगीत सूफियाना कलाम किस स्थान से जम्मू कश्मीर में आया है, क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा, पर्शिया, इटली, ग्रीस या फिर ईरान, ठीक है, तो राइट आंसर है सूफिया कलाम कश्मीर में आया है, कश्मीर का सूफी संगीत, शास्त्रीय संगीत, सूफियाना कलाम ईरान से। आगे बढ़ेंगे, द नेशनल सॉन्ग फॉर ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज्ड बाय, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना डैश के द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या फिर जयशंकर प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 43 का, भारतीय राष्ट्रीय सॉन्ग की रचना किसने की थी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया है वो। आगे बढ़ेंगे अपने लिए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, द रॉलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव पॉपुलर इंडिगेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड द फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड ब्लॉक, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट, हिंदी में देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, रॉलेट एक्ट ने एक आक्रोश को जगाया और इस कारण जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया, चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने क्या गलत है, ठीक है, तो इसमें से गलत है ऑप्शन नंबर डी, 1991 में जो कराची 1931 में कराची का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो गांधी इरविन समझौते का जो है विरोध करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछ लेता हूँ इसमें, ये 1931 का जो कराची कांग्रेस अधिवेशन था वो किस लिए था, ठीक है, तो वो आप बताएंगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2020, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या था, चार ऑप्शन है, मिल्क कनेक्टिंग नेशंस, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, मिल्क फॉर SDGs या फिर मिल्क फॉर ऑल, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, सिंपल सा, ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी आज की क्लास समाप्त, तो बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं अगर कोई भी आपको डाउट रहता है इस क्लास के माध्यम क्लास से, और
बाकी पढ़ते रहें क्योंकि समय कम है आपके पास, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन भी हो पाए और अच्छे से उसे हम क्लियर कर पाए सभी कुछ। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी और मिलते हैं हम एक और क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, गुड नाइट सभी को।